से मेरे ख्याल में मैं कम से कम 4 या 5 फीमेल्स को असेस कर चुका हूँ जो कि या तो शादी होने से पहले या जस्ट शादी के बाद ऐसी प्रॉब्लम्स का शिकार हुई हैं जो कि कुछ लोग समझते हैं कि एपिलेप्सी है, लेकिन कई केसेस में दूसरे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। एन्जाइटी बहुत कॉमन है, स्ट्रेस बहुत कॉमन है, डिप्रेशन के साथ साइकोसिस बहुत कॉमन है, एक्यूट साइकोटिक एपिसोड्स बहुत कॉमन है। एक लड़की जो प्रिपेयर्ड नहीं हो शादी के लिए, या फिर खुश ना हो, या फिर हो सकता है कि ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हो, तो फिर ये बड़ा कॉमन है कि इस तरह की इश्यूज़ हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ एपिलेप्टिक सीजर ही हो, कि वो सिर्फ मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं उसको, और एपिलम या फिर सोडियम वेलप्रेट आप दे रहे हैं उसको दवाई, उसी से मसला हल हो जाए। असल जो है ना वैल्यूएशन के कॉज क्या है इसका, और उसको देखते हुए फिर एक प्रॉपर डायग्नोसिस बना के उसको प्रॉपर ट्रीट करना जो है वो शायद बेहतर रिजल्ट दे सकता है। दे सकता है। तो चाहे वो मेरे पास लाएं या किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाएं और फिर प्रॉपर असेसमेंट करवाएं। बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसको